लास्ट वीडियो वी डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. थ्री पावर्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. नेक्स्ट नंबर पावर नंबर 4, कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जो चौथा कार्य है वो ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय, आपस में जो उनके जो समन्वय है उसको बनाए रखने का. वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों में समन्वय बनाए रखने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है. प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स सो द इट वुड वर्क इज ए यूनिट. जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो अलग अलग विभागों में संपर्क करता है गवर्नमेंट्स इज सो द वर्क वुड हैज द यूनिट. ताकि जो गवर्नमेंट्स है यानी कि जो गवर्नमेंट्स यानी प्रशासन है वो मुख्य रूप से एक तरीके से संबंध कर सके. लीडर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा. लोकसभा प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा प्रिंसिपली एंड ऑल द लॉ मेकिंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन हिज लीडरशिप. यानी कि जो लीडरशिप, लोकसभा का जो लीडर होता है, अध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है. और जितने भी लॉ मेकिंग यानी कानून से संबंधित, जो कानून बनाने से संबंधित काम होते हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किए जाते हैं. ऑल गवर्नमेंट बिल्स इंक्लूडिंग एनुअल बजट आर प्रिपेयर्ड अंडर हिज सुपरविजन ओनली. ऑल गवर्नमेंट बिल्स यानी कि जितने भी विधेयक होते हैं, इंक्लूडिंग एनुअल बजट का मतलब है जितने भी जो गवर्नमेंट बिल है उसमें, चाहे जो अपना वित्तीय बजट हो, वह सभी प्रिपेयर्ड अंडर हिज सुपरविजन ओनली. यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसके लीडरशिप में ही ये कार्य किए जाते हैं. यानी कि बजट निर्माण या और जितने भी बिल्स, यानी कि और जितने भी जो विधेयक हैं वो प्रधानमंत्री की देखरेख में ही किए जाते हैं. 6 इज लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है, उसे जोड़ने का काम करता है. ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस द कॉन्टैक्ट विद द हेड ऑफ द नेशन कैन ओनली बी मेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ही अप्रीज द प्रेसिडेंट अबाउट द डिस्क्रशन ऑफ कैबिनेट एंड ऑल्सो ट्रिमिनेस प्रेसिडेंट एडवाइस टू द कैबिनेट. मतलब प्रधानमंत्री ही जो राष्ट्रपति है उसको जो कैबिनेट में जो भी डिस्कशन यानी कि जो भी विचार विमर्श होता है उससे राष्ट्रपति को अवगत कराने का काम करता है. और राष्ट्रपति के जो विचार, एडवाइस, जो परामर्श होते हैं उन्हें कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है. अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वह प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच लिंक का काम करता है. बेस्टोविंग वेरियस पोस्ट, द पावर ऑफ अपॉइंटिंग हाई रैंक्स ऑफिशियल गिविंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रेसिडेंट इज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हाई रैंक के जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करने की शक्ति मोस्टली हम देखें तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को दी है,
पर उसका प्रैक्टिकली यानी कि वास्तविक उसका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द पावर विथ द ओनली एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट ऑन हिज सेल्फ डिस्क्रेशन, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट वी लर्न द प्रेसिडेंट वाइज सॉरी सो स्टूडेंट वी लर्न द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द पावरफुल पोस्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम द प्रेसिडेंट इज द नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट सॉरी प्रेजेंट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द जवाहरलाल नेहरू।